आत्मीय भाइयों एवं बहनों, हम आपका गुरुदेव माताजी चैनल में स्वागत करते हैं। भाइयों बहनों, परम पूज गुरुदेव को 5 जून 1960 को अज्ञातवास पर जाना था। इससे पूर्व परम पूज्य गुरुदेव ने अखंड ज्योति के संपादन का दायित्व वंदनीय माताजी को सौंप चुके थे। माताजी सोच में पड़ गई। वे सोच रही थी कि कहीं गृहस्थ जीवन गुरुदेव के साधना में बाधक तो नहीं बन रहा। वैसे तो मैंने गुरुदेव की आकांक्षाओं के अनुरूप ही अपने को ढाली है, पारिवारिक व्यवस्था को ऐसे बनाई है जिससे गुरुदेव की लक्ष्य प्राप्ति में कोई बाधा न आए। आचार्य जी समर्थ हैं, उनके जीवन में अगणित सफलताएं जुड़ी हैं। भाइयों बहनों, माता जी सोच रही थी कि गृहस्थ जीवन में साधना का प्रयोग यदि व्यर्थ भी चला जाए तो भी उनका कुछ बिगड़ने वाला नहीं है, क्योंकि शेष सफलताएं उनके जीवन को प्रकाशवान बनाए रखने के लिए पर्याप्त हैं। पर मेरा तो अपने जीवन में एकमात्र प्रयोग गुरुदेव के अनुकूल अपने को ढालना और परिवार का वातावरण भी वैसा ही बनाना रहा है। माता जी सोचती है, यदि यह प्रयत्न व्यर्थ चला गया तो यह मेरे लिए अत्यंत लज्जा और दुख की बात होगी। भाइयों बहनों, वंदनीया माता जी सोच रही हैं, अनेक साधक अपनी आध्यात्मिक साधना में आचार्य जी से नियमित मार्गदर्शन प्राप्त करते हैं, उन्हें भी उनके अज्ञात बात से काफी असुविधा होगी। गायत्री तपोभूमि और अखंड ज्योति संस्थान के संचालन में भी काफी परेशानियां होंगी। भाइयों बहनों, माता जी सोच रही है कि आचार्य काफी सोच समझकर यह प्रस्ताव मेरे सामने रखे होंगे। मैंने तो यह बात लगभग 1 वर्ष पूर्व ही गुरुदेव को बता दी थी। जब गुरुदेव ने इस प्रकार की बातें उस समय बातों बातों में ही मुझसे कहे थे। भाइयों बहनों, लाखों अनुयायी भी यही सोचते होंगे कि जब गुरुजी अपने गृहस्थ धर्म में साधना नहीं कर पाए तो हम लोग कैसे सफल होंगे। माताजी कहती हैं, भाइयों बहनों, आचार्य जी ने काफी सोच समझकर यह प्रस्ताव मेरे सामने रखा था, पर जब मैंने अपनी बात उनके सामने रखी थी तो उन्होंने पुनर्विचार करने का आश्वासन दिया था। लेकिन भाइयों बहनों, माता जी कहती हैं कि पुनर्विचार के बाद गुरुदेव ने अपने पूर्व के निर्णय की पुष्टि करते हुए कहा था, साधना और तपश्चर्या में भिन्नता है। साधना और उपासना सामूहिक जीवन में रहकर की जा सकती है और उसके द्वारा अन्नमय और मनोमय कोषों पर विजय प्राप्त कर अनेक सतगुणी विशेषताएं उत्पन्न कर प्रगति की जा सकती है, परंतु तपश्चर्या का मार्ग उससे कहीं अधिक ऊंचे स्तर का है। भाइयों बहनों, गुरुदेव कहते हैं कि पारिवारिक जीवन में तपश्चर्या संभव नहीं हो सकती। प्राचीन काल में अनेक गृहस्थ ऋषि तप के लिए नीरव स्थानों में गए और अभिशक्ति प्राप्त कर वापस अपने सांसारिक जीवन में आ गए। वशिष्ठ, विश्वामित्र, लोमस, जमदग्नि, अत्रि, याग बल्क जैसे ऋषि
कई बालकों के पिता थे और अपनी धर्म पत्नियों के साथ गृहस्थ व्यवस्था में रहते हुए भी सघन वनों में तपश्चर्या हेतु जाया करते थे। भगीरथ ने गंगा को लाने के लिए प्रचंड तप किया, लेकिन पुनः उद्देश्य पूरा होने पर अपने घर आ गए। पार्वती ने पति पाने के लिए, ध्रुव ने ऐश्वर्य पाने के लिए, मनु शत्रुपा ने दिव्य पुत्र पाने के लिए तप किए और लक्ष्य प्राप्ति के बाद अपने अपने घरों को लौट आए। भाइयों बहनों, पूज्य गुरुदेव ने वंदनिया माता जी को आश्वस्त किया कि वे न संन्यास ले रहे हैं और न सार्वजनिक जीवन से ही अलग हो रहे हैं। तब साधना के बाद उनकी शक्तियां और भी प्रखर हो जाएंगी। वे दूर रहकर भी दूसरों को अंतः प्रेरणा देते रहेंगे। भाइयों बहनों, गुरुदेव ने माता जी को समझाया कि वर्तमान समस्याओं को सुलझाने के लिए बड़े परिमाण में आध्यात्मिक शक्ति चाहिए। हमारा राष्ट्र लंबे अंधकार युग को पार कर अब स्वाधीनता का प्रवाह देख रहा है। हमारी सबसे बड़ी सनातन संपत्ति आध्यात्मिकता के विकास हेतु जो प्रयास होना चाहिए, उस दिशा में उदासीनता तथा उपेक्षा दिखाई दे रही है। जिस आंतरिक गुणों के आधार पर कोई समुदाय महान बन सकता है, उन्हें विकसित करने वाला अध्यात्म आज उपेक्षा के गर्त में पड़ा है। उसे अग्रगामी बनाकर ही मानवता का सच्चा स्वरूप देखा जा सकता है। देश का विकास तभी संभव होगा जब यहाँ के निवासी उज्जवल चरित्र तथा उच्च आदर्शों को कार्यान्वित कर अपने देश में तथा सारे संसार में उज्जवल भविष्य का दर्शन कर सकेंगे। भाइयों बहनों, गुरुदेव ने माता जी को यह भी कहा कि अखंड ज्योति के लिए वे प्रकाशन सामग्री समय पर भेजते रहेंगे। गायत्री तपोभूमि के संचालन पर हम अपनी दृष्टि बनाए रखेंगे। भाइयों बहनों, गुरुदेव के वचनों ने माता जी का समाधान कर चुका था और गुरुदेव अपने अज्ञात वास पर निकल पड़े। भाइयों बहनों, इस प्रकार से गुरुदेव एवं माता जी के योगदान को विश्व मानव सदा नमन करते रहेगा। जय गुरुदेव, जय माता जी।